पोर्शन नहीं है। ये लिखा है टॉप में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 लेंस स्टार्ट किए थे और वहां पर मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें समझाया था कि लेंस क्या होता है। हमने पढ़े थे कि लेंस जो होते हैं दो कर्व सरफेस को इंटरसेक्ट करने के बाद बनते, तो उन्होंने वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस स्टडी किए थे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग लेंस की स्टडी कर रहे हैं तो लेंस के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो हम लोगों ने उसके टर्म्स पढ़े थे, 6 टर्म्स पढ़े थे अगर आपको याद हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। ये 6 टर्म हम लोगों ने सीखे थे। यहाँ पर एक कंसेप्ट भी सीखे थे कि जो लेंस होता है वो किस तरीके से अलग अलग लेंथ वाली लाइट को, अलग अलग जगह से आने वाली लाइट को, सभी को एक ही पॉइंट पर लेकर आकर मीट करवाता है, अगर आपको याद होगा तो। ये भी पढ़े थे, मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आंसर भी दिया था उसको। लेंस को मतलब तोड़ तोड़ के समझे थे कि मान लो बीच में रेक्टेंगुलर स्लैब है, फिर ऊपर ट्रेपेजियम है और उसके टॉप पे ट्राइंगल है, ये हम लोगों ने पढ़े थे। और हम लोगों ने ये भी देखे थे कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो लाइट कोई पॉइंट पर मीट नहीं करवाता है, मतलब वहां पर लाइट इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए हमने बोले थे कि वो रियल इमेज नहीं बनाता है। कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल। बट इसी के मुकाबले अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो कॉन्वेक्स लेंस सारी लाइट को एक पॉइंट पर मीट करवाता था, मतलब वो कौन सी इमेज बना रहा था? रियल इमेज बना। याद है मैंने आपको बताया था रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड दिखेगी, क्लास में हमने देखे भी थे इन्वर्टेड इमेज। लेंस भी लेकर आया था मैंने आप लोगों को, बताया था कि भैया ये इमेजेस कैसे दिखती है ये भी देख लो। तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता था, कॉन्केव लेंस वर्चुअल। कॉन्केव लेंस हर केस में, मगर कॉन्वेक्स लेंस हर केस में रियल इमेज नहीं बनाता। आपको याद होगा रे डायग्राम में जो 6th वाला केस था जहां पर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख दिए थे, वहां पर वर्चुअल बना दिया था उसने भी इमेज, कैसे बनाया था? वर्चुअल। बाकी सारे केस में कैसी थी इमेज? रियल इमेज थी। तो हम लोगों ने 6 रे डायग्राम पढ़े थे अगर याद है तो, 6 रे डायग्राम पढ़े थे 3 रूल के बेसिस पर। रूल नंबर 1 था कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहां से पास होगी? फोकस से। रूल नंबर 2 क्या था? अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रही तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी रहेगी? पैरेलल रहेगी। और तीसरा रूल क्या था कि अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, उसी को कंटिन्यू रखेगी। और इसी के बेस पर हमने 6 केसेस पढ़े थे जहां पर मैंने आपको बताया था बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, तो इस चीज को याद रखिए। हम लोग को खाली हो सकता है डायग्राम ड्रॉ करने भी बोल दें कि भैया अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसकी इमेज कहां कैसी बनेगी ये बताओ, माइंड भी हो सकता है शायद आपको डायग्राम देकर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ ली, जैसा मैंने एक डिस्कस भी किया था। तो दोनों प्रोबेबिलिटी लास्ट लेक्चर में यहाँ तक के हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, आई होप है ना। इसके आगे का कुछ पढ़े थे? साइन कन्वेंशन पढ़ाया था क्या? नहीं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं, ये तो पुराना हो गया जो बेसिक हम लोगों ने पढ़े थे। देखो साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, पहले इसको समझ लो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन कन्वेंशन। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या होता है प्रॉब्लम्स में हम लोग को कई बार कभी कोई चीज प्लस देता है, कोई चीज माइनस। बोलता नहीं क्वेश्चन में कि ये प्लस है या माइनस है, वो आपको डिसाइड करना है कि वो प्लस है या माइनस है। बच्चे उसको रटते हैं। अब मैंने अभी बताया कि प्रॉब्लम चेंज होगा तो सिनेरियो भी क्या हो जाएगा चेंज, केस भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम नहीं बदलना है, हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट चलना है। कंसेप्ट क्या बता रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, इसीलिए आपको साइन कन्वेंशन पढ़ना है। अब साइन कन्वेंशन कोई नई चीज नहीं है, ये हम लोग पढ़ते आए। आपको याद होगा कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों ने पढ़े, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो ना, एक्स वाई एक्सिस सभी लोग ने पढ़े। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, सही बात है। मान लेते हैं कि इसके सेंटर पर हम लोगों ने अपना कॉन्वेक्स लेंस रखे और ये कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वही अपने एक्सिस का ओरिजिन भी, सही है। मैंने आपको एक अजम्पशन बताया था बच्चे लोग कि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पर रखते हैं? लेफ्ट में, याद है?
ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं? तो भाई अब मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कहीं पर इमेज बन जाएगी, क्योंकि मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया हूँ ना, आया ना वो, चलो रे डायग्राम बनाना सिखाया मैंने। देखो लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोटेड बाय यू। किसे डिनोट करते हैं उसको? यू का मतलब क्या बच्चे लोग? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू का मतलब क्या है? सिमिलरली लेंस से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, डिनोटेड बाय वी। वी का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस। अगर याद है नाइन्थ में भी ये सब पढ़े थे, इसको क्या होता है हम लोग? इमेज डिस्टेंस। अच्छा आप लोगों को पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकस यहां कहीं होगा ना, कॉनकेव होता तो फोकस यहां कहीं होता, बट कॉनकेव कॉन्वेक्स है तो फोकस कहां पर होगा? राइट साइड में। तो एफ का मतलब क्या हो गया? यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं ना, लेंथ से लेकर अपने फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो हम लोग एफ जब लिखेंगे उसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ। सही है। अच्छा अपने ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट भी होगी, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट भी होगी ना, तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग एच वन से लिखते हैं। किसे लिखते हैं बच्चे लोग? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच वन का मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हम लोग के इमेज की भी कुछ हाइट होगी, उसको हम लोग बोलते हैं एच टू। क्या होता है उसको? एच टू। हाइट ऑफ इमेज। सही है, चीजें क्लियर है। लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, लेंस से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा वो इमेज डिस्टेंस होगा, लेंस से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 बोलेंगे, इमेज की हाइट को h2। कोई दिक्कत है यहां तक के? अब देखो यहां पर हमें एक सिस्टम पड़ेगी, जो भी चीज इस साइड आएगी उसके डिस्टेंस को हम लिखेंगे प्लस में। डिस्टेंस आप ऐसा मेजर करोगे ना, कैसा मेजर करोगे? डिस्टेंस तो मैं एक्स एक्सिस पे ही देखूंगा, जब बात होगी हाइट की तो मैं किस पे देखूंगा? सही बोल रहा हूं? तो जब भी हम लोग हाइट की बात करेंगे तो हम लोग एक्स में नहीं देखेंगे, किस में देखेंगे? वो ऊपर है कि नीचे। बट जब बात होगी डिस्टेंस की, किसकी, तो लोग कहां देखेंगे? एक्स। समझ में आया? तो जो भी चीज राइट राइट पे है, जो भी चीज वो क्या आएगी? प्लस। और जो भी चीज लेफ्ट में वो क्या आएगी? सिमिलरली जो भी चीज ऊपर है वो क्या आएगी, जो भी चीज नीचे वो क्या आएगी? यही है कार्टेशियन सिस्टम। सर ये तो हम लोग को पहले से पता है, कुछ नया तो रटना नहीं। कार्टेशियन सिस्टम समझ में आ गया ना? राइट में गया तो डिस्टेंस प्लस देंगे, लेफ्ट में गया तो डिस्टेंस, ऊपर है तो हाइट प्लस, नीचे है तो हाइट। अब बताओ आप लोग, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? उसके डिस्टेंस को किस में लिखेंगे? क्वेश्चन में बोलेगा आपको पता चल गया, उसके डिस्टेंस को हम किस में लिखेंगे? माइनस। अरे समझा कि इमेज कहां पर बन रही है तो उसके डिस्टेंस को किस में लिखेंगे? सही है। अच्छा फोकल लेंथ भी कहां पर है? राइट में, तो उसको भी क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ जा रही है ना, अरे आया ना भाई, हाइट की बात होगी तो कहां देखेंगे? वाइन कहां पर देखेंगे? सर ये ऊपर, इसीलिए क्या लूंगा मैं? और इमेज की हाइट कहां जा रही है? इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? अरे समझा पक्का? रट्टे लेने आप। देखो केस बदलता हूं, आप लोग बताओ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। अब मेरे तो यहां पर एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट और यहां पर अपनी इमेज। हम लोग पता है कि कॉनकेव में फोकस भी यही नहीं होता, मालूम है ना? कॉनकेव में फोकस भी कहां पर होता है? लेफ्ट साइड। अब जरा ध्यान से देखो, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। लेंस से लेके फोकस तक का जो उसको बोलते हैं फोकल। सही बात है। एच वन एच टू। अब आप बताओ यू प्लस लू की माइनस? लेफ्ट साइड में ना ऑब्जेक्ट, तो उसके डिस्टेंस को किस में लिखेंगे? वी को प्लस लू की माइनस? सर इमेज भी लेफ्ट में, तो उसको भी किस में लिखेंगे? फोकस कहां पर है तो इसको भी क्या लिखेंगे? हाइट वन, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है उसकी हाइट क्या आएगी? इमेज की हाइट। देखो बदल गया केस, रट सकते हैं आप?
कितने केस के लिए रटी, उससे से क्या याद करो, साइन कन्वेंशन, लेफ्ट में है तो माइनस, राइट में है तो ऊपर है तो हाइट प्लस, नीचे है तो हाइट, ये तो मालूम है ना हम लोग को, बस वही चीज करना है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई साइन कन्वेंशन, ये किसकी बात हो गई बच्चों, क्लियर। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले की, तो थोड़ा ध्यान से देखें, हम लोगों को ना इस चैप्टर के फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है कि वो कहां से आ रहा है, ये सिलेबस में अभी डिस्कस, ये हम लोग को 11th में पढ़ाएगा, अभी फिलहाल हम लोग को दिया हुआ नहीं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें लगेगी जो शायद अभी आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने उसको पढ़ाई नहीं, 11th में पढ़ाएंगे आप लोग को ये सारी चीजें। बहरहाल अभी हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूले दिए, तो मैं भी डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चे, लेंस फॉर्मूला, जैसे आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने मिरर फॉर्मूला पढ़े थे, ऐसी 10th में अपने पास क्या है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में कोरिलेशन बनाकर हम लोग को देता है। फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। अब सारी चीज आपको पहले से पता है, f का मतलब फोकल लेंथ, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो लेंस फॉर्मूला क्या, 1/f = 1/v - 1/u, पहला चीज। एक फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का, किसका फॉर्मूला बचे, और ये क्या है, देखो मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि हम लोग को बताता है कि हम लोग की जो इमेज बनने वाली है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, किससे डिनोट करते हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है H2/H1। अगर रेशियो लोगे तभी तो पता चलेगा ना बड़ा है कि छोटा है। सिमिलरली इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, V/U, H2/H1 लिखो या फिर V/U। एग्जांपल देगा, मान लो H2 की वैल्यू 10 है, H2 की वैल्यू कितनी है 10 और H1 की वैल्यू 5 है, कितनी है 5, तो अगर मैं यहां पर 10/5 रखूंगा तो आंसर कितना आएगा, 2। M की वैल्यू क्या आई, 2, M की वैल्यू कितनी आई, 2। तो याद रखो जब भी M की वैल्यू 1 से बड़ी आई, M की वैल्यू जब भी 1 से बड़ी, इसका मतलब इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है, और अगर जब भी M की वैल्यू 1 से कम आई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज, मैं ये कैसे बोलूं, सिंपल सी बात है, 1 से बड़ा आना मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर, तभी आंसर 1 से बड़ा आएगा, और 1 से छोटा कब आएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अरे हाँ है ना भाई, तो H1 बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, H2 बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू 1 से, और अगर 1 हुआ मतलब दोनों सेम है, अरे समझेगी नहीं, तो लोग इस फॉर्मूले की मदद से क्या पता लगा सकते हैं, मैग्निफिकेशन, इमेज बड़ी बन रही है या छोटी, क्लियर। एक चीज और आती है लेंस के लिए बच्चों, वो है पावर, पावर ऑफ लेंस। नाउ व्हाट इज पावर, बेसिकली लेंस में पावर किसको बोलते हैं, देखो हम लोगों को पता है कि जब लाइट लेंस के अंदर एंटर करती है तो लेंस उसको क्या करता है, बेंड करता है, उसको क्या करता है, ये जो बेंडिंग होती है ना, अलग अलग लेंस अलग अलग तरीके से लाइट को बेंड करता है, अलग अलग तरीके से मीन्स कोई ज्यादा बेंड करता है और कोई कम बेंड करता है, तो ये जो बेंडिंग हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि वो कितना बेंड कर सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और बेंडिंग डिपेंड करती है, जो पावर है वो डिपेंड करता है उसके फोकल लेंथ पर, किस पर डिपेंड करता है, इसीलिए पावर का जो फॉर्मूला है वो 1/f है, क्या बोल चलो, पावर इज नथिंग बट 1/ फोकल लेंथ, जो भी फोकल लेंथ है आप उसका रेसिप्रोकल निकालो आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, सही बात है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी चाहिए कि यहां पर जो पावर हम लोग बात कर रहे हैं ये लेंस का पावर, ये नॉर्मल पावर जो हम लोग डिस्कस करते हैं वैट किलो वैट हॉर्स पावर, ये वो वाला पावर, ये लेंस के टर्म्स में पावर, तो इसकी यूनिट किलो वैट या वैट तो नहीं लिख सकता मैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इस बात को समझो, फोकल लेंथ लेंथ है ना, लेंथ को किस में मेजर करते हैं आप, मीटर, किस में मेजर करेंगे, मीटर सेंटीमीटर में, एसआई में बात करूं तो किस में मेजर करेंगे आप, मीटर में, तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं फोकल लेंथ की तो 1/मीटर हो गया, अरे हां है ना, 1 तो ऊपर था, फोकल लेंथ की यूनिट क्या आई, मीटर, अब ये 1/मीटर को कुछ नाम देना पड़ेगा, वो किसकी यूनिट बनेगी, पावर की, तो 1/मीटर को उन्होंने नाम दिए डायोप्टर, क्या नाम दे दिया बच्चे लोग, डिनोटेड बाय कैपिटल डी, डायोप्टर इज द यूनिट फॉर पावर। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि एमसीक्यूज में
अगर मेरे पास फोकल लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर की है, कितने, तो व्हाट विल बी दी पावर? 100, 1/100, यही तो गड़बड़ है। मैंने सेंटीमीटर बोला ना, और यहां पर रखते किसमें, बच्चे ये गड़बड़ी करते, 1/100 लिख के भाग गए। एमसीक्यू में दिया है 1/100, बोला 1/100 टिक करके भाग गए। पहले उस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो, मीटर में, समझ में आ रहा है? तब आपका आंसर है, मेक श्योर दिस, इसीलिए एग्जांपल दिया। क्लियर है बच्चा लोग, आया ना फॉर्मूले समझ में आए? देखो कभी कभी क्या होता है कि ना हम लोग दो लेंस को कंबाइन करके यूज करते हैं। दो लेंस को क्या करते हैं, पता है, दो अलग अलग लेंस, बट वो काम किसके जैसा कर रहे हैं, एक लेंस के जैसा, इसके जैसा काम कर रहे हैं। तो क्या हो अगर मैं दो लेंस को रखूं और मैं चाहता हूं कि उनसे जो कंबाइन लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ कितना होगा या उसकी पावर कितनी होगी, ये अगर मुझे पता लगा है। मेरे पास अगर दो लेंस है जिन लोगों को मैंने एक के बाद एक रखा हूं, तो उनसे कंबाइन फोकल लेंथ या कंबाइन पावर कैसे निकालू मैं, तो उसका भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 1/F = 1/F1 + 1/F। इंडिविजुअल लेंस का जो फोकल लेंथ है आप उसका रेसिप्रोकल निकाल के ऐड करो तो आपको किसका फोकल लेंथ मिल जाएगा, कंबाइन वाली का, इसका फोकल लेंथ मिलेगा। सिमिलरली मैंने अभी बताया था 1/F किसके बराबर होता है, P के, तो 1/F1 क्या हो जाएगा, P1, 1/F2 क्या हो जाएगा, P। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंबाइन पावर अगर निकालने तो सिंपली पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। मान लो भैया आपके पास दो लेंस है, एक का लेंस 3 डायोप्टर है और एक का लेंस का पावर 4 डायोप्टर। मैंने बोला कंबाइन लेंस का पावर कितना होगा, आप बोलेंगे 3 + 4 दैट इज 7 डायोप्टर। अरे समझा, आया ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत? तो ये है सारे फॉर्मूले और ये है साइन कन्वेंशन, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरी है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को समझाने के लिए ये कैसे बदलता है, कभी प्लस भी होता है कभी, तो रटने की जरूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन खाली याद है, इसको लिख लो। तो फिर बढ़ते हैं आगे, या नोटिस करो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो वो है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, आंख। ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर किसी चीज का है तो वो आंख है। तो हम लोग अभी आंख को पढ़ना ले, कुछ लोग को आंख भी आई हुई है, चश्मा लगा कर बैठे, ठीक है, तो कुछ लोग पर्पल भी चश्मा लगा के बैठे हैं, कुछ लोगों को बचपन से चश्मे लगे हुए हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि चश्मा क्यों और कैसे लगता है, कौन से केस में कौन सा चश्मा लगता है, ये सब पढ़ेंगे। बट उससे पहले पहले आंख को पढ़ना पड़ेगा, है ना? देखो ह्यूमन आई जो है ना बच्चों, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बहुत सारे फैक्ट है। कुछ फैक्ट्स को पहले बता दूं, बुक में नहीं मेंशन, ध्यान से सुनो, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है। ह्यूमन आई जो होती है बच्चे लोग, बचपन से लेकर मरने के टाइम तक के हम लोग की बॉडी में आंख का साइज कभी चेंज नहीं होता। हाँ, बाकी बॉडी के हर पार्ट्स का साइज चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एज एक्सेप्ट ह्यूमन आई, ठीक है। दूसरी चीज क्यों नहीं चेंज हो सकता वो बाद में लोग देखेंगे, चेंज होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जब डायग्राम स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। हम लोग की आंख एक टाइम में बच्चे लोग 10 लाख कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते, कितने 10 लाख, मतलब मैं आपके आंख के सामने अगर 10 लाख कलर रख दूं तो अपनी आंख एक सिंगल टाइम में इन सब को क्या कर सकती है, डिस्टिंग्विश कर सकती है, कैप्चर कर सकती है। गोलू मोलू बोल रहा है कि कैप्चर कर सकती है, ऊपर वाले ने हम लोग की आंख में 576 मेगापिक्सल, कितना 576 मेगापिक्सल, इतनी हाई रेजोल्यूशन में हम लोग की आंख हम लोग को चीजें दिखाती है। मेगापिक्सल्स का मतलब क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं पिक्चर को जब जूम करो एक टाइम ऐसा आता है कि वो फट जाती,
सुना तो उसको पिक्सल्स बोलते हैं, कितने टाइम के बाद कितने पिक्सल्स पर वो फटने आए। हम लोग की आंख हम लोगों को कितना दिखा रही है, 576 मेगापिक्सल्स। इतनी हाई क्वालिटी का कोई कैमरा आज तक के बना भी नहीं, जितनी हाई क्वालिटी के लेंस हम लोग के आंख में लगे हुए। सही बात, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने हम लोग को आंख दिया है, तो उसकी वजह से हम लोग पूरी दुनिया देख पाते है ना। तो अब हम लोग पढ़ते इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के बारे में कि इंसान की आंख किस तरीके से काम करती। सही बात, तो ध्यान से देखेंगे सब। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों इसके ऊपर। आवाज नहीं करो, ठीक है। यहाँ देखो सब, तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया हूँ बच्चे लोग मैंने, ह्यूमन आई का, ठीक है। इंसान की आंख अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप की होती है, जिसका डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर का होता है। आंख का डायमीटर कितना, अप्रोक्सीमेट 2.4 सेंटीमीटर का। हम लोग की आंख जो होती है वो आई सॉकेट में फिट होती है, यहाँ पर सॉकेट होता है जिसके अंदर आंख क्या होती है, फिट होती है हम लोग की। हम लोग की आंख की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उसको कॉर्निया बोलते हैं। ये जो मैंने बनाया है थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो हम लोग के आंख के अंदर एंटर होती है वो कॉर्निया के थ्रू क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। मीडियम चेंज हो गया ना, तो मीडियम चेंज होगा तो लाइट अपने एंगल्स को क्या करती है, चेंज करती है। जैसे ही कॉर्निया से आप अंदर आएंगे, यहाँ पर देखो मैंने दो चीज बनाया, आयरिस, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है या ब्राउन वाला जो पोर्शन है उसको आयरीज बोलते हैं हम लोग। आयरीज एक्चुअली मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चे लोग, मसल्स की। और आयरीज का कलर अलग अलग पर्सन में अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोग ब्लैक देखते हैं, ब्राउन देखते हैं, ब्लू देखते हैं, रेड देखते हैं, ग्रे देखते हैं, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं आयरीज के, ठीक है। बेसिकली ये कलर जो होता है वो किससे पता चलता है कि आपकी आयरिस से कौन से कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो डिसाइड करते हैं कि आपकी आयरिस का कलर कौन सा होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो आयरिस के बीच में मैंने यहाँ पर एक ओपनिंग रखा हूं, देख रहे हैं, अपने आंख के ब्लैक वाले पोर्शन के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल। मैंने बताया था आयरिस मसल्स की बनी हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। समझ में आ रहा, मतलब इस प्यूपिल की जो ओपनिंग है ये कम और ज्यादा दोनों हो सकती है, डिपेंडिंग अपन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट अगर बहुत ज्यादा है तो प्यूपिल अपने आप को क्या करती है, क्लोज करती है,
और लाइट अगर बहुत कम है तो प्यूपिल अपने आप को क्या करती है, एक्सपांड करती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप अभी क्लासरूम में बैठे हैं, आप लोग अक्सर ये फील करते हैं कि अभी सुबह का टाइम है, अंधेरा होता है, तो हम लोग सारी लाइट चालू करके रखते हैं, है ना। तो हम लोग की आंख, हम लोग लाइट इसीलिए चालू करते हैं ताकि हम लोग की आंख में ज्यादा लाइट एंटर करे। लाइट क्योंकि कम है इसीलिए प्यूपिल अपने आप को क्या करती है, साइज में बड़ा कर लेती है कि थोड़ी बहुत भी लाइट अगर हो तो वो मेरे आंख में एंटर करे और मैं चीजों को क्या कर सकूं, देख सकूं। अब होता क्या है, आप लोग अक्सर ये फील किए होंगे कि हम लोग जब क्लासरूम से निकल के बाहर जाते हैं, जिस दिन धूप बड़ी तेज रहती है, आंख देखो दुखने लगती है हम लोग। तो हम लोग कुछ टाइम के लिए ऐसा करते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम फिर सही हो जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, कोई ड्रॉप ड्रॉप नहीं डालते, बट आंख अपने आप क्या हो जाती है, सही हो जाती है। सवाल ये था कि कैसे, देखो जब आप बाहर गए तो रोशनी बहुत ज्यादा है, सूरज चंदा, सूरज ऊपर है, सूरज मामा, तो रोशनी बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, उस टाइम पर बहुत ज्यादा लाइट आपके आंख में जा रही है, और ज्यादा जब लाइट आंख में जाएगी तो वो स्क्रीन जहां पर इमेज बनती है वो बर्न होने लगी, इसीलिए प्यूपिल अपने आप को क्या करती है, कम करती है। अच्छा, ये कम और ज्यादा करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब तक कि वो एडजस्ट नहीं होती है तब तक क्या आंख दुखती है क्योंकि लाइट ज्यादा जा रही है, बट जैसे ही वो एडजस्ट हो जाती है वो नॉर्मल हो जाती है। नोटिस किया, अगर आप लोग याद होगा मुन्ना भाई MBBS में आनंद भाई की आंख पे वो टॉर्च मारता है डॉक्टर, मुन्ना भाई भड़क जाते हैं, ए वो इंसान है, अरे हाँ है ना। उसमें देखो उसने बताया कि जब आंख पे टॉर्च मारता है तो उसकी प्यूपिल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, देखियो, तो प्यूपिल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? ठीक, तो ये तो बात होगी किसकी, बच्चे लोग प्यूपिल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर वो कम और ज्यादा हो। एक एग्जाम्पल और देखो, पायलट्स लोग को देखिए, वो लोग आंख पे सब पट्टा लगा के घूमते थे, हम लोग को लगता था कि सबके सब अंधे होते, जितने पायलट्स होते सब अंधे होते, हालांकि वो लोग अंधे नहीं होते, वो लोग पर्पसली एक आंख पर पट्टा लगा कर रखते। उसके पीछे का रीजन है कि जब लड़ाई होगी तो बहुत बार शिप के अंदर जाना पड़ता है, और शिप के अंदर क्या होता है, अंधेरा। मान लो कोई पर्सन पहले से अंदर है तो उसकी हिसाब, उसकी जो आंख है वो तो अंधेरे के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है, बट आप अंदर जाएंगे तो आपकी आंख को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ना। आप जब तक कि आपकी आंख एडजस्ट करेगी आपको तो चीजें दिख रही नहीं होगी, बट उसको तो सब दिख रहा है, पहले से वो मार पीट के निकल लेगा। आप अभी तलवार निकाल लो उतने में गर्दन नीचे पड़ जाएगा, सही है ना भाई। पायलट्स लोग क्या करते थे, जब नीचे जाते थे देखो वो लोग वाला पट्टा निकाल देते थे, क्योंकि ये वाला पट्टा, ये आंख पे पहले से पट्टा था, मतलब ये वाली आंख अंधेरे के लिए पहले से ही क्या है, एडजस्ट। सेम चीज आप लोग भी देखे होंगे घर में, बहुत बार ऐसा होता है रात में जब लाइट कट जाती है सडनली, तो पहले कुछ भी नहीं दिखता, फिर कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट, दिखता है ना। तो वही जो पहले से अंधेरे में उसको तो दिख रहा है पहले से, बट आप अब भी उतरे ना अंदर तो आपको दिखेगा क्या, वो आप उतरे उसको दिख गया, ठीक है, तो फिर वो ऊपर थोड़ी देर बाद आपकी लाश भेजेगा, सही है ना। तो देखो वो लोग भी साइंस का यूज करते हैं, हम लोग कुछ नहीं यूज करते। तो प्यूपिल ये वो जगह है जिससे लाइट अपने आंख के अंदर क्या करती है, बच्चे लोग एंटर करते हैं। अब जैसे ही प्यूपिल के पीछे आएंगे तो देखो मैंने यहाँ पर लेंस पढ़ा, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस, वही लेंस जो लोग पढ़ रहे थे, वही लेंस जो मैंने आपको दिखाया था, सेम तरीके का लेंस अपने आंख के अंदर भी होता है। कॉन्वेक्स लेंस सारी लाइट को एक पॉइंट पर क्या करता है, मीट करवाता है, हमने पढ़े जहां पर वो मीट करवाता है उस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या होता है बच्चे लोग, रेटिना आंख की वो जगह है जहां पर इमेजेस क्या होती है, फॉर्म होती है, इमेजेस क्या होते हैं बच्चे लोग। अच्छा, ये जो लेंस है ना, ये लेंस जेली लाइक सब्सटेंस का बना होता है, किसका, जेली लाइक सब्सटेंस का। इसकी खास बात ये है कि ये लेंस अपने फोकल लेंथ को कम और ज्यादा कर सकता है डिपेंडिंग अपन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत, तो लेंस अपने आप को इलॉन्गेट कर लेगा, पतला हो जाएगा, मगर ऑब्जेक्ट अगर करीब है तो लेंस कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, ताकि लाइट को क्या कर सके, बेंड कर सके। अरे इस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रख रहे हैं, लेंस को तो शिफ्ट कर रहे नहीं, तो लेंस क्या करता है, अपने आप को फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करता है, एडजस्ट करता है, अकोमोडेट करता है अपने पावर को, ताकि वो इमेज को क्या कर सके, क्लियरली कहां पर बना सके, रेटिना के ऊपर। समझ में आ रहा है, आपकी स्क्रीन तो शिफ्ट नहीं हो सकती, तो हर बार इमेज यही बननी चाहिए, इसके लिए हम लोग का लेंस अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है। देखो ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर है तो वहां से सारी लाइट कैसी आ रही है, पार्लर, वहां से सारी लाइट कैसे आ रही है बच्चों, तो वो सबको बैंड करवा देता है, कहां पर मीट करवा देता है, रेटिना के। बट जब ऑब्जेक्ट करीब है, इसका एग्जांपल थोड़ा सा बनाकर यहां समझाता हूं,
फिलहाल अभी मैं लेंस बना रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट नहीं बना। देखो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है यहाँ पर कहीं पर, तो उससे जो लाइट आ रही होगी वो सब कैसी आ रही होगी, पैरेलल आ रही होगी। तो ये सारी लाइट जब आएगी तो ये प्रॉपरली इनको बेंड करवा के कहाँ पर मीट करवा देता है, तो ये तो पैरेलल आ रही है। बट अगर ऑब्जेक्ट करीब हो जाए तो ऐसा यहाँ पर कहीं हो, या अपनी आंख है, ये लेंस है सपोज, तो भैया अगर ऑब्जेक्ट करीब है और करीब है, जैसे यहाँ पर है, तो लाइट ऐसी आ सकती है, लाइट ऐसी भी आ सकती है, लाइट ऐसी भी आ सकती है कि नहीं। तो देखो अब ये वाली लाइट तो स्ट्रेट चली जाएगी सेंटर से अगर जा रही, बट इनको बहुत ज्यादा बेंड करना पड़ेगा ना, इसको ऐसा बेंड करवाना पड़ेगा इसको। अब देखो ना ये वाली लाइट को उसने थोड़ा सा बेंड करवाया था, ये ऐसी जा रही थी बस इतना बेंड हुआ, ये वाली लाइट ऐसा जा रही थी, इसमें देखो बेंडिंग इतनी ज्यादा हुई है, मतलब इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा बेंडिंग करनी पड़ी ना। तो ये बेंडिंग करने का काम चेंज करना पड़ता है ना, उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए वो जो लेंस है पहले कैसा था, जब दूर था तो ऐसा था लेंस, जब करीब आएगा तो लेंस ऐसा हो जाएगा चपटा फ्लैटन, ताकि थिकनेस बढ़ जाए और लाइट प्रॉपरली बैंड होकर कहां पर आ जाए, फोकस के ऊपर। समझ में आया ना? आप लोगों को क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, अगर दूर ऑब्जेक्ट है तो लेंस कैसा रहेगा, इलांगेटेड, अगर करीब में है तो लेंस कैसा रहेगा, फ्लैटन। ये सब क्यों कर रहा है वो, ताकि वो प्रॉपरली इमेज कहां पर बना सके, रेटिना के ऊपर, अपने पावर को वो एडजस्ट करता है, अकोमोडेट करता है, और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ अकोमोडेशन। डिपेंडिंग अपन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस अपनी पावर को कम और ज्यादा करता है, ये खास बात है, बाकी लेंस के पास एक खास बात, जो नॉर्मली लेंस देखते हैं वो अपनी फोकल लेंथ को या अपने पावर को एडजस्ट नहीं कर सकते, बट हम लोग के लेंस की खास बात ये है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट या अपने पावर को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। बट एक दिक्कत है इसके अंदर, देखो दूर है तो कोई टेंशन नहीं, लाइट तो पैरेलल आ रही, बट ऑब्जेक्ट जब करीब आता है तो उसको चपटा होना पड़ता है ना लेंस के लिए, मगर एक लिमिट होगी चपटे होने की, ऐसा थोड़ी एकदम ऐसे से ऐसा हो गया ऐसा नहीं हो सकता, उसकी एक लिमिट है। तो मिनिमम लिमिट कितनी है लेंस को, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कितना, तो आप उसकी इमेज क्लियरली क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। बट अगर वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से भी करीब में आ जाए तो आप उसकी क्लियर इमेज अपने रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते। बनाने की कोशिश करोगे बनेगी, बट उसकी वजह से फिर अपने ब्रेन पर क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। जैसे आप कोई चीज पढ़ो अगर बहुत करीब रख के, तो देखो आंख दुखने लगती है। हाँ। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस इंफिनिटी, मिनिमम कितना है 25 सेंटीमीटर। इससे करीब अगर हो गया तो फिर अपनी आंख उसके लिए एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। अरे समझ में आया, पावर ऑफ अकोमोडेशन समझ में आया बच्चा? अच्छा तो भैया लेंस ने सारी लाइट को कहां पर मीट करवाया, रेटिना पर। रेटिना वो जगह है जहां पर इमेजेस क्या होती है, फॉर्म होती है। एक्चुअली यहाँ पर ना बड़े सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, और ये जो नर्व है ऑप्टिक नर्व, ये उन सिग्नल्स को कहां पर लेकर जाती है, ब्रेन के पास। मैंने आपको बताया था इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ऑप्टिक नर्व जब वो सिग्नल ब्रेन के पास लेकर जाता है तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि सामने कौन सी चीज है और उसको क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। समझ में आया, इमेज तो कैसी बनी थी, ये जो रेटिना है ना बच्चों, इसमें ना दो स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल। क्या नाम है, रॉड सेल एंड कोन सेल। रॉड सेल का काम होता है लाइट की इंटेंसिटी बताना। जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लो एक बल्ब लगाऊं, नाइट बल्ब लगा दूं छोटा वाला, और इसी के बाजू में अपनी ट्यूबलाइट भी, तो ये बात आप लोगों को पता है कि ट्यूबलाइट ज्यादा रोशनी देगी और वो नाइट बल्ब कम। तो ये ज्यादा और कम रोशनी के बीच का जो डिस्टिंग्विश है ना, ये कौन करवाता है, रॉड सेल करवाता है। कौन करवाता है बच्चों, ऐसे ही एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोन सेल्स। क्या होते हैं इसको, कोन सेल्स। कोन सेल्स क्या होते हैं बच्चों, जो हम लोग को कलर के बीच में डिस्टिंग्विश करवाते हैं। हम लोग के आंख में जब लाइट जाती है तो लाइट पर्टिकुलर सेल्स को जाकर हीट करती है। कौन से सेल्स को जाकर हीट करी है, वो बताता है कि ये वाला कलर है। तो कलर को डिस्टिंग्विश करने का काम किसका है, कोन सेल। कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि उनके कौन सेल्स के कुछ पर्टिकुलर सेल्स डैमेज होते हैं, तो लोग बोलते हैं दे आर कलर ब्लाइंड। दे आर मतलब उनके ऊपर जब वो वाली कलर की लाइट पहुंचती है, वाली कलर की जब लाइट पहुंचती है तो सिग्नल जनरेट, सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, काला। कैसा दिखेगा, हालांकि वो ऑब्जेक्ट का कलर है बट हम लोग को दिख रहा नहीं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कलर नाम की कोई चीज नहीं होती, कलर का रिलेशन लाइट के साथ, याद है ना। मैंने आपको बताया था कि मुझे कलर आप लोग का क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट आपसे आ रही है और टकरा रही है।
अगर मैं लाइट को बदल दूं, मैं अगर यहां पर रेड कलर की लाइट पूरे रूम में लगा दूं, तो सभी लोग ब्लैक दिखेंगे, एक्सेप्ट उनके जिन्होंने लाल कपड़ा पहने होंगे। हाँ, आपका जो ओरिजिनल कलर है वो दो ही शर्त पर दिख सकता है। पहला, आपके ऊपर व्हाइट लाइट फॉलो, दूसरा आपके ऊपर वही कलर की लाइट फॉलो जो कलर आपका है। जैसे टमाटर के ऊपर अगर मैं लाल कलर भेजूंगा तो टमाटर लाल दिखेगा, या व्हाइट कलर भेजूंगा तो टमाटर लाल दिखेगा। एल्स वो लोगों को क्या दिखने वाला है? ब्लैक। आप वॉयलेट भेज दो, ब्राउन भेज दो, ब्लू भेज दो, उसका कलर कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कलर पे नहीं आ रहे, बैरल वर्किंग समझा रहा था, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो मैंने दो चेम्बर बनाया, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ये जेली लाइक जगह होती है, लेंस जेली लाइक सब्सटेंस से बना और इसके पीछे जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस का मतलब पानी, पानी भी तो है ना आग के अंदर, बहुत आंसू आते सर अंदर, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर पानी उसके अंदर होता है, ठीक है। और ये तो दो नाम है स्किन के, कोरोइड और स्क्लेरा। इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं दिया, मैं खाली बना रहा था तो मैंने लिखी। क्लियर, वर्किंग समझ में आई? एक चीज रह गई हो, चलो देखो, ये लेंस जो अपने पावर को अकोमोडेट करता है, कम और ज्यादा करता है, ये किसकी मदद से करता है? सीलियरी मसल्स के बीच में। मसल्स का काम ही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो सीलियरी मसल्स अपने लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती है। अगर वो नहीं होगी तो लेंस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा। तो सीलियरी मसल्स अपने लेंस को क्या करती है बच्चे लोग? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती है, जिससे हम लोग का जो लेंस है वो अपने पावर को अकोमोडेट करता है। क्लियर है बच्चे लोग? वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट दूर होगा तो लेंस कैसा होगा? इलॉन्गेटेड होगा। ऑब्जेक्ट अगर करीब होगा तो लेंस कैसा होगा? फ्लैटेंड। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफेक्ट इन विजन, कुछ बीमारियों की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है चैप्टर का, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे। तीन डिफेक्ट पढ़ने हैं बच्चों, तो मैं तीनों डिफेक्ट को यहां पर ले लेता हूं। पहला है बच्चों नियर साइटनेस। क्या है नियर साइटनेस? अब ये क्या है, इसको समझते हैं। अच्छा, नियर साइटनेस को पढ़े लिखे लोग मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप लोग सोच लो कि क्या बोलना है आपको, क्या बोलेंगे? नियर साइटनेस, मायोपिया। अच्छा, तुम लोग पढ़े लिखे लोग, तो नियर साइटनेस ऑल्सो नोन एज मायोपिया। नियर साइटनेस, नियर की साइड है, नजदीक का साइड है, मतलब नजदीक की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें है कोई ऐसा चश्मिश? नजदीक की चीज दिख रही है, दूर की चीजें नहीं दिख रही। अब ध्यान से देखो, अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं, बाद में इनसे पूछेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हो सही है कि गलत है। ध्यान से देखो, मायोपिया एक्साइट हो गया बेचारा, ठीक है कोई नहीं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अच्छी बात है। नियर साइटनेस ऑल्सो नोन एज मायोपिया। अब इसमें होता क्या है, देखो अगर मैं किसी नॉर्मल आंख के बारे में बात करूं, एक केस पहले यहां बना लेते, किसके लिए? नॉर्मल विजन के लिए। किसके लिए बना लेते बच्चे लोग? नॉर्मल। एक नॉर्मल आंख किस तरीके से काम करती है उसको जरा समझ लो कि भैया ये नॉर्मल आंख है, यहाँ पर लेंस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, लाइट उससे आई टकराई और सारी लाइट टकरा कर कहां पर मीट हो गई? रेटिना के ऊपर, सही है ना? नॉर्मल आप इसी तरीके से का। एक चीज भूल गया बच्चे लोग, सॉरी, लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों को, वो बताना ही नहीं गया मेरा आंसर, इधर पे मेरे को बताना था। अगर आप देखो गर्ल्स, याद है, जब लेंस से लाइट टकरा कर रेटिना के ऊपर मिलती है तो इतने दूर में मैंने रेटिना बनाया ना, तो लाइट यहाँ पर जहां पर भी मीट होती है रेटिना के ऊपर वो सिग्नल भेजता है यहाँ पर फिर आंख के पास। बट ये जो ऑप्टिक नर्व का हिस्सा है ना, यहाँ यहां से देखो, यहां पर तो कोई सेल ही नहीं है, ऑप्टिक नर्व का जो हिस्सा वहां पर कोई सेल नहीं। तो अगर जब आप यहां पर कोई लाइट फॉल करवाएंगे तो सेल नहीं है तो सिग्नल बनेगा, और सिग्नल ही नहीं बनेगा तो इमेज बनेगी क्या? आप समझ रहे हैं? उस दिन क्या हुआ था, जब लोग पेपर को करीब लाते हैं तो इमेज की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे क्या होती है? शिफ्ट होती है। एक पॉइंट ऐसा था कि वो कहां पर आ जाती है? यहां पर, जहां पर कोई सेल नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है उसको? आंख का एक ऐसा स्पॉट जहां पर किसी भी चीज की इमेज बनती तो सेम चीज वहां पर उस दिन हो रही थी। तो आप जैसे जैसे धीरे लेकर आगे आ रहे थे, एक पॉइंट ऐसा आया कि वो इमेज कहां पर बनी? ब्लाइंड स्पॉट पर, इसीलिए वो आपको दिख रहा, समझा? ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो ये नॉर्मल विजन है, ये क्या बच्चे लोग? कि भैया लाइट आई टकराई और कहां पर बन गई? रेटिना के ऊपर।
बट द पर्सन जिनको नियर साइडनेस है या वो पर्सन जो मायोपिया से सफर करते हैं उनके केस में क्या होता है, इस बात को समझते हैं। इनके केस में क्या होता था बच्चों कि इनके अंदर ना माइंड में पॉसिबिलिटीज आर देयर कि इनके आईबॉल का साइज बड़ा हो गया। नॉर्मली होता, मैंने पहले भी बताया था, अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम है, डिफेक्ट में इसीलिए पड़ रहे ना, होता नहीं है। कुछ केसेस में आईबॉल का साइज क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। तो इमेज तो अभी भी कहां पर बन रही है, वहीं पर, बट मगर स्क्रीन ही हट गई ना, तो इमेज क्लियर दिखेगी क्या? दूसरा हो सकता है कि उनकी सीलियरी मसल्स वीक हो गई, प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए इमेज प्रॉपर बन रही नहीं। तो होता क्या है भैया, इमेज ये लेंस अपना लाइट आई, ये पहले ही क्या करती है, यहां पर कहीं पर मीट हो जाती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। बनना कहां चाहिए था, यहां पर, बन रही कहां पर, रेटिना के सामने। ये तो गलत हो गया। अब आप देखो मेरे को उसको, ये पहले ही कन्वर्ज हो गई ना, ये लाइट पहले ही क्या हो गई है बच्चों, कन्वर्ज हो गई, मुझे उसको आगे कन्वर्ज करवाना है। तो अब क्या करूं, अगर मैं इसको पहले थोड़ा सा डाइवर्ज कर दूं, पहले थोड़ा सा क्या कर दूं, तो ये प्रॉपरली फिर कन्वर्ज हो जाएगी। अरे हाँ है ना। अब आप खुद बताओ डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, डाइवर्जिंग के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं, कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो इसके आंख के आगे हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस। लाइट आएगी, ये लाइट को क्या करेगी, थोड़ा सा बेंड करेगी, फिर ये लाइट कहां पर एंटर कर लेगी, अपनी आंख के अंदर, कहां पर एंटर करेगी बच्चों, अपने आंख के अंदर, और यहां पर आने के बाद फिर प्रॉपरली लाइट को क्या करेगा, कहां पर मीट दबा देगा, रेटिना के ऊपर। अरे समझा कि नहीं? अब एक बात बताओ, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या था, नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या था, मतलब उसका पावर भी क्या होगा, क्योंकि पावर इस वन अपन है तो उसका पावर भी क्या होगा, मतलब इनको जो चश्मा लगेगा वो कौन सा लगेगा, नेगेटिव वाला। कौन सा लगेगा, नेगेटिव वाला। इसको पता ही नहीं आपको लगा नेगेटिव चश्मा, अरे देख रहे कि नहीं। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पर्सन से पूछे कि आपको कौन सा चश्मा लगा है, वो बोलता है नेगेटिव, वो क्या बोलता है, तो आप समझ गए कि उसको कौन सी बीमारी है। कौन सी बीमारी है सर, उसको नजदीक का दिखता है, उसको दूर का नहीं दिखता। क्या रीजन है, हो सकता है सीलियरी मसल्स वीक हो गई, या हो सकता है आईबॉल का साइज क्या हो गया हो, चेंज हो गया। ऐसा होता नहीं, आईबॉल का साइज जल्दी चेंज नहीं होता है, सीलियरी मसल्स क्या हो गई है, वीक हो गई, जिसकी वजह से प्रॉपरली इमेज बन रही। अरे क्लियर, पहला केस। दूसरा फार साइडनेस। अब बाकी चश्मे लोग की बात करते हैं, फार साइडनेस देखो भैया, फार साइडनेस, पढ़े लिखे लोग इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। यार फार की साइड है, दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है कोई, तो ये लोग का ऐसे चश्मा दिखाने के लिए पहले फार साइडनेस, फार साइडनेस। अरे कोई नहीं फार साइडनेस का, तुम लोग कौन सी कैटेगरी में आते, दोनों, नजदीक का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, नजदीक का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता ना। तो पहले यही वाला केस हमने पढ़ रहे थे ना, तब काई में हाथ उठाए बताओ कैसे बच्चे। चलो पाव किलो की जबान नहीं हिला सकते, हाँ पाव किलो की जबान नहीं उठा हिलाएंगे, चार किलो का मुंडा हिला दे। चलो यार फार साइडनेस जिसको हम लोग क्या होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, लेसी नॉर्मल विजन तो ऐसी रहेगा। इनके अंदर जब डिफेक्ट होता है तो क्या होता है, हो सकता है कि इनके आईबॉल का साइज क्या हो गया हो, कम हो गया हो, या इनकी भी सीलियरी मसल्स क्या हो गई हो, वीक हो गई, मतलब इनके केस में जो इमेज है वो कहां बनेगी, रेटिना के पीछे, ऐसा कुछ बना देते हैं। यहां पर अब देखो कन्वर्ज तो हो रही है बट आगे हो रही है, मुझे पहले ही कन्वर्ज करना है, और कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस लगाऊं, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग के लिए कौन सा लेंस लगेगा, तो आंख के आगे हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को थोड़ा सा बेंड करेगा और ये फिर प्रॉपरली बेंड करके उसको कहां पर लेकर आएंगे, रेटिना के ऊपर। अब ध्यान से देखो इसके अंदर कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब उसका पावर भी क्या होगा, मतलब इनको जो चश्मा लगा वो कौन सा लगा, पॉजिटिव।
कोई है पॉजिटिव चश्मे वाला? आप दोनों पॉजिटिव चश्मा, मतलब इनको कौन सी बीमारी है? इनको नजदीक का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। अरे समझा कि नहीं? अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना नजदीक का दिखता है ना दूर का दिखता है। बूढ़े लोग को होता है ना ओल्ड एज प्रॉब्लम। ए गरीब लोग इधर देखो, मैं लड़ाई नहीं करो, बोलो बोलो। ओल्ड एज प्रॉब्लम है बूढ़े लोग, ये बुक में नहीं दिया ओल्ड एज प्रॉब्लम। पढ़े लिखे लोग इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो हम लोग तो प्रेस बायोपिया ही बोलेंगे सिर्फ। बोलो बोलो क्या बनी बेटा, क्या बनी इसको? प्रेस बायोपिया। सभी लोग ध्यान से, इसके अंदर क्या होता है बच्चे लोग? ना नजदीक की चीजें क्लियर होती है, ना दूर की चीजें क्लियर। ओल्ड एज प्रॉब्लम इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादातर ये बूढ़े लोग को ही होता है। इसमें ना आईबॉल का साइज चेंज नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है कि अपनी सीलियरी मसल्स वीक हो जाती, जिंदगी भर काम करते करते वो मसल्स कैसी हो जाती, वीक हो जाती, कमजोर हो जाती। इसीलिए वो प्रॉपरली हम लोग की जो इमेजेस हैं उनको फॉर्म नहीं कर पा रही, चाहे वो नजदीक की हो चाहे वो दूर की हो। तो ऐसे सीनेरियो में हम लोग बायफोकल लेंस का यूज करते हैं, ऐसा लेंस जिसके अंदर कॉनकेव भी है और जिसके अंदर कॉन्वेक्स। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप सभी लोग देखेंगे घर के अंदर, ऐसे तो बड़े टाइप्स आते हैं इसके अंदर, बट ये वाला कॉमनली हम लोग देखते हैं, ऐसा वाला चश्मा। नीचे एक ऐसा बना रहता है, उससे हम लोग नजदीक की चीज देखते हैं और ऊपर से दूर वाले। इसके अंदर दोनों लेंस आ गया, तो इसको बोलते हैं बाय फोकल लेंस। क्या बोलते हैं इसको? मतलब दोनों फोकल लेंस, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स। पढ़ लो आया ना भैया, डिजीज क्लियर है ना? पॉजिटिव नेगेटिव सुनने के बाद बता सकते हैं ना कौन सी बीमारी है सामने वाले को, कौन सा चश्मा लगाए, कौन केव है कि कौन मैक्स है, फलाना ढिंका। समझा? लिख लो। आज बड़ाई मारेंगे हम लोग घर पे, घर वालों को पूछेंगे दादी तुमको पता है, दादी तुमको कौन सा चश्मा लगाए, फिर दादी थप्पड़ मारेंगे बड़ा पता।